झारखंड सरकार सूबे के चौमुखी विकास को लेकर संकल्पित दिख रही है। एक ओर जहां कई सड़क परियोजनाओं के लिए राशि स्वीकृत की गई है, तो दूसरी ओर गिरिडीह के रनवे विस्तार को लेकर जो भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है उसके लिए भी राशि की स्वीकृति की गई है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजधानी में एक बेहतरीन होटल ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के लिए भूमि को लीज पर दिए जाने के फैसले पर कैबिनेट में मुहर लगी है। और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, कुल 34 फैसले इस कैबिनेट की बैठक में हुए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं, बात करते हैं पटना की, जहां पटना लॉ कॉलेज गंगा घाट पर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर तैयार हो रहा है। इस रिसर्च सेंटर में किस तरह का काम चल रहा है, इसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ पहुंचे। मुख्यमंत्री के इस दौरे का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित सिंह ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 15 मिनट तक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर में रहे और देखिए तस्वीरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी अभी डॉल्फिन रिसर्च सेंटर में मुआयना करके यहां से निकले हैं। जब उनसे सवाल करने की कोशिश हुई, उन्होंने हाथ जोड़कर एक तरीके से कहा कि हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी अभी निकले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी पहुँचे थे और एक बड़ा कार्य हो रहा है। मैम, मुख्यमंत्री ने जायजा लिया, क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे डॉल्फिन का अनुसंधान केंद्र बन रहा है, गंगा डॉल्फिन का। तो ये एक हम लोग चाह रहे स्टेट ऑफ द आर्ट अनुसंधान केंद्र हो, जहाँ पे शोध होगा, यहाँ पे पीएचडी के स्टूडेंट्स आएंगे, वो पढ़ेंगे यहाँ पे और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और यहाँ पे पूरा गैजेटिक इकोसिस्टम के बारे में होगा। तो उसी में माननीय मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने कहा है कि इसका काम शुरू करवाना, पहला काम तो भवन का है और उसके बाद उसको कैसे चलाया जाएगा और उसको कैसे प्रक्रिया में यूनिवर्सिटी के साथ किया जाएगा उसके बारे में हम लोग को फाइनल। शुरू से मुख्यमंत्री चाहते हैं कि डॉल्फिन को बचाया जाए, तो लगता है कि रिसर्च सेंटर बन जाने के बाद इसमें और ज़्यादा प्रक्रिया तेज हो जाएगी। देखिए, हमारे प्रयास से भारत सरकार ने भी डॉल्फिन गैंजेटिक डॉल्फिन पे बहुत फोकस किया है, तो डॉल्फिन पे तो ऐसे भी चल रहा है हमारा, लेकिन इसके आने से एक नेशनल लेवल पे बिहार का एक ऐसा अनुसंधान केंद्र बन जाएगा जिससे सभी को फायदा होगा। कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री जी की तरफ से खास इनके अंदर आने के बाद? उनका कहना है कि इसको यथाशीघ्र कंप्लीट करा के काम शुरू कर। कब तक बन जाएगा? एक महीना का समय लिया बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने। तो ये बंदना प्रेसी जी जो अधिकारी हैं, ये जो मुख्यमंत्री के साथ अभी अभी जो बता रही थी कि क्या कुछ यहाँ पे जो भवन बन रहा है एक महीने के अंदर तैयार हो जाएगा, और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जल्द से जल्द डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है बनकर तैयार हो जाए। कैमरा पर्सन आनंद के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।